जय हिंद डियर। तो चलिए फिर आप लोगों का एग्जामिनेशन रूटीन चेंज हुआ सर, क्या थोड़ा सा याद रखिएगा, 3, 4, 5 का एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं हुआ। जो एग्जाम 13, 18, 19 और 20 को मान एग्जामिनेशन था वो डेट ही हो गया। बट आप लोग कॉमर्स वाले थोड़ा समझिए, कॉमर्स वाले का 3, 4, 5 का डेट चेंज नहीं हुआ और साथ ही साथ 16 और 22 का चेंज नहीं हुआ। सर 16 तारीख को क्या था पीपीएम, 19 को कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और 22 को कहा था ईडी। तो आप लोगों का जो कॉमर्स क्वेश्चन है 19 तारीख वाला एग्जाम आपका होगा 30 अप्रैल को होगा। इसका मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम जो 19 तारीख को होने वाला था वो 30 अप्रैल को होगा। याद करो आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 19 तारीख को इलेक्शन है इंडिया में, सर एग्जाम कैसे ले सकता है, तो उसका डेट चेंज होने वाला था श्योर शॉट जो हो चुका। सर कब एग्जाम होगा 30 अप्रैल को। तो याद रहे आप लोगों का 16 को जैसे पीपीएम का एग्जाम था वो होगा, 22 को ईडी का एग्जाम वो होगा, 19 को जो होने वाला था वो 30 को होगा। सर ये 13, 18, 20 ये सर बी और बीएससी के लिए जो डेट गिरा है, ठीक है, बट 3, 4, 5 को जो एग्जाम होने वाला कॉलेज में वो ऐसा होगा, ठीक है। और अगर डेट चेंज होता है बट भरोसा नहीं है, हो सकता हो जाए, तो फिर आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।